दोस्तों, दिल्ली के दंगों का वो सच जो ना राजदीप आपको बताएगा ना प्रिंट वायर स्क्रॉल जैसे किसी भी पोर्टल में आपको नजर आएगा, क्योंकि जिन खालिद सैफी ताहिर हुसैन कपूरा जरगर को बचाने का ये लोग काम करते हैं, जिनको ये आंदोलनकारी बताते हैं, उनका असली सच दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में सामने आने लगा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खालिद सैफी, वो खालिद सैफी जो 23 फरवरी से दो दिन पहले मनीष सिसोदिया के साथ देखा गया था, वो खालिद सैफी दिसंबर 2019 में मलेशिया में था, जाकिर नाइक से मीटिंग करने गया था, आतंकवादी जाकिर नाइक, भगोड़ा जाकिर नाइक, वो जाकिर नाइक जो भारत में इस्लामिक शासन बनाने का सपना बेचता है, उस जाकिर नाइक से मिलके आया खालिद सैफी और आने के बाद मीटिंग कराता है ताहिर हुसैन की और उमर खालिद की। और इसमें एक बहुत ही शॉकिंग बात, मीरान हैदर, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का हेड मीरान हैदर, वो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी जो सफूरा जरगर के लिए कोर्ट जाती है, वो जामिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो 14, 15, 16 दिसंबर को जामिया में जो दंगे हुए उसमें दोषियों को बचाने के लिए पुलिस के खिलाफ केस करती है, उसका हेड मीरान हैदर, उसके घर से रजिस्टर मिला है, सिंगापुर से पैसा आया है, यूके से पैसा आया है, ओमान से पैसा आया है, और कैसे उस पैसे को दंगा करने के लिए बांटा गया उसका हिसाब लिखा हुआ है। दोस्तों, दिल्ली के दंगे एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। देश में इस्लामिक शासन बनाने का सपना देखने वाले जेहादियों के द्वारा पैसा दिया गया और ट्रेनिंग दी गई। खालिद सैफी, ताहिर हुसैन, सफूरा जरगर को बचाने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको भी जाकिर नाइक से पैसा मिलता है? क्या आतंकवादियों से फंडिंग लेकर इनको बचाने के लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं? देश के जो भी बड़े पत्रकार, पोर्टल या बड़े बड़े नेता और सांसद जो इनको बचाने के लिए लेख लिखते हैं, आज सवाल उन पर है, क्या इन बड़े बड़े नेता पत्रकारों को भी जाकिर नाइक जैसे आतंकवादियों का पैसा मिला हुआ है जो ये खालिद सैफी, ताहिर हुसैन और सफूरा जरगर को बचाने की कोशिश करते हैं? सोचिए। जय हिंद।